महीने भर पहले वो सिर्फ पूरी आम आदमी पार्टी की भाभी जी थी। 21 मार्च को केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी संदेश वाहक बन गई। जेल से केजरीवाल का संदेश लाकर जनता तक पहुंचाने लगी। अब वो आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई हैं। नाम तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, सुनीता केजरीवाल। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। हम आपको बताते हैं सुनीता केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक बनने के क्या मायने हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं जैसी चर्चाएं थी, इसमें सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। इन दोनों के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान भी लिस्ट में हैं। वहीं जेल में बंद केजरीवाल के अलावा दो और नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को स्टार प्रचारक बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में संजय सिंह आतिशी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पार्टी ने स्टार प्रचारकों में कई बड़े नेताओं को जगह दी है, जिनमें गोपाल राय, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, इसुदान गढ़वी और गुजरात के कई नेता शामिल हैं। इसमें किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। चर्चा सिर्फ हो रही है तो सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाए जाने की। आम आदमी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता जेल का जवाब वोट से अभियान चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। पार्टी के नेता केजरीवाल का जेल वाला पोस्टर लिए सड़कों पर है। एक तरफ वो केंद्र में सरकार तानाशाह सरकार है जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना चाहती है, जो ये कहता है कि जो महिलाओं को बराबरी के अधिकार की बात करता है, इस देश के दबे कुचले पिछड़े दलित समाज को मुख्य धारा में लाने की बात करता है, इस देश में सबको बराबर समान उसको मानने की बात करता है। एक तरफ वो लोग ये कहते हैं हम 400 पार सीटें लेके आएंगे, हमें देश का संविधान बदलना है। बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर के ये शपथ लिया है कि हम लोग इस अत्याचार का, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे लिए इतना काम किया, अब हम उनके लिए काम करेंगे और इस अत्याचार का बदला, इस जेल का जवाब वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी की नई नई स्टार प्रचारक बनी सुनीता केजरीवाल प्रदर्शनों में कहीं कहीं दिख रही हैं। या तो उन्होंने तब मोर्चा संभाला जब जेल से केजरीवाल का संदेश लाई, या फिर इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में हुई रैली में। केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारक भी बन गई हैं। इसका मतलब साफ है कि वो सियासत में हाथ आजमाने वाली हैं। हालांकि सियासत में उनकी लॉन्चिंग उसी रामलीला मैदान से हो गई है जब पिछले महीने उन्होंने इंडिया गठबंधन के मंच से बेहद इमोशनल भाषण दिया था। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता की अहमियत का उस समय भी अंदाजा लग गया था जब संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे और उनके पैर छुए थे। अब स्टार प्रचारक बनने के बाद सबको मानना ही पड़ेगा कि सियासत में सुनीता की लॉन्चिंग हो गई है। हालांकि इसे क्या कहा जाए, 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा था तो उन्होंने जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमला बोला था वो था परिवारवाद। लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरोध में बनी आम आदमी पार्टी अब उसी रास्ते के दलदल पर चल पड़ी है। हालांकि सुनीता के राजनीति में आने के कयास उसी समय लग गए थे जब 21 मार्च के बाद एक हफ्ते में उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली तस्वीर 27 मार्च, दूसरी तस्वीर 28 मार्च, तीसरी तस्वीर 29 मार्च को सामने आई। तीनों बार वही कुर्सी, वही बैकग्राउंड और करीब करीब वही बातें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वही कुर्सी जिस पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। संजय सिंह के जेल से निकलने के बाद कयास लग रहे थे कि सुनीता को सियासी मामलों में ज्यादा दखलअंदाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि संजय सिंह मंझे हुए राजनेता हैं। लेकिन पार्टी ने जिस तरह सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाया है उससे साफ है कि पार्टी को अब परिवारवाद जैसे आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अफसर यानी IRS है। केजरीवाल भी IRS थे। मैसूर में सुनीता और अरविंद केजरीवाल साथ साथ पढ़ाई करते थे। 1995 में दोनों ने शादी की। सुनीता केजरीवाल आयकर आयुक्त रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल 2006 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर और 2006 में अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़ दी, जबकि सुनीता केजरीवाल ने 2016 में VRS लिया है।
2005 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से सामाजिक जीवन में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब करप्शन के केस में ही गिरफ्तार हुए हैं। 2012 में परिवारवाद के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की पत्नी ही स्टार प्रचारक बन गई हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए राजनीति में कथनी और करनी के सिद्धांत कैसे सुविधा अनुसार बदलते हैं, कैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। केजरीवाल कट्टर ईमानदार की छवि बेचते रहे, वो मिट्टी में मिल गई। परिवारवाद के खिलाफ झंडा बुलंद किए रहे, अब उनकी वो छवि भी खत्म हो रही है। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।